नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं शरद बांखेला। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की स्मृति में धमतरी जिले के नगरी विकास के वनांचल दुगली पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम स्वराज और वनाधिकार मड़ई में शिरकत की। सीएम ने लघु वनोपज प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केंद्र में स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी चर्चा की और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। सीएम ने 134 करोड़ रुपए के 121 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही सीएम ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री और चेक का वितरण भी किया, जबकि दुगली में 3 एकड़ पर बने मां अंगार मूर्ति गौठान का भी लोकार्पण किया गया। बैठे हुए मेरे जसुदा जी, प्रमोद साहू जी, मुकेश खोसरे जी, अमरदीप साहू जी, कृष्णा मरकाम जी, राजा दिवान, नंदिनी कंचन जी, भुवनेश्वरी पटेल जी, बुधनसिंह भाई जी, रेणुका भार्मा जी, कस्तू बेगम जी, तानेश्वरी मरकाम जी, विमला मरकाम जी, बिंदा मेहताम जी, सुषमा तिवारी जी, रजनी धनुषारी जी, मीना सोम, गायत्री बाई नागे, ईश्वरी सेन, हेमलता प्रजापति, उषा देवांगन, भुवनेश्वरी साहू, माधु निर्मलकर, अनिता भारवा, चंद्रकला नेताम, चंद्र किरण नेताम, मीराबाई ध्रुव, फुलेश्वरी ध्रुव, फुलेश्वरी साहू, कंचन ध्रुव, रेखा साहू, जोशी दिवाकर, पिंकु यदु, केश्वर ध्रुव, कमलेश मित्रा, भानन ठाकुर, राघवेंद्र वर्मा, नितेश ठाकुर, जीवन लाहटा जी, हाशिम मेमन, भरत निर्मलकर, डौवा रामदेवागन, नागकरण पटेल, जयाजुन रिजी, नरेश सदैया, डीके राजन, रघु साहू, सुरेश शर्मा, अनवर रजा, राहुल ठाकुर, राम भरोसा साहू, पुरुषोत्तम निर्मलकर, केमल स्वर्णवीर, गगन मेहता, प्रसादी राम चंद्रवंशी, सचिन भंसाली, सुरेश संजीती, जंदू राम, मोहित कुमार, राजकुमार परसापानी, देवेन मंडावी, सीपी ठाकुर, महेन पांडे, रामाधीन निशा, सुरेश सेन, उदय सेन, यतेन्द्र बिसेन, ताराचंदपुर राम, बिसेलाल, सुनाराम, मथेला, विदेराम, सुखदेव निषाद जी, तिलोक सिन्हा,
इन्हें देवी बुलाएंगे। श्री उत्तम चंद गोलछा जी, श्री सरफाजुद्दीन रिजवी जी, आप लोग अध्यक्ष हैं समाज के, श्री दुमार सिंह ध्रुव जी, बुधराम नेताओं, कृपाराम नेताओं, सुरेश ध्रुव, स्वागत वन संघर्ष समिति की तरफ से जगन्नाथ ध्रुव जी, मायाराम नगवन सिंह, शोक सिंह मंडावी, गोर्धन मंडावी, जलसुराम कुंजाम, तुलसीराम मंडावी, सुरूपराम नेताम, कुंदन साक्षी, गुलजार सिंह मरकाम, भानु सिंह ध्रुव, वैद्य शंभु शक्ति संघ दुगली, दशरथ नेताम, देव सिंह मंडावी, बिजलाल नेताम, ओंकार प्रजापति, भगवान नेताम, दुगली सेक्टर से प्रीतम सिंह भट्टी, वीर सिंह नेताम, रमेश भट्टी, लुकाऊ राम कुमार, डिजेसर कुमार, रजू राम नेताम, फिरोज कुरैसी, क्या हमारे बीच होंगे, आप जैसे आते जा रहे हैं आपके लिए तो यह है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है, हम सभी बड़ी माना से भी पिछड़ा वर्ग के मंच से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बटन के माध्यम से 134 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं द्वारा बटन के माध्यम से 134 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन, जन से 134 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन। आप जैसे आते जा रहे हैं, आपके लिए बेंच बनाई गई है, बैठक व्यवस्था बनाई गई है, आप सभी से मेरा छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, वरिष्ठ राज्यसभा सदस्य श्री पी एल पुनिया जी, कैबिनेट मंत्री श्री पी एस सिंहदेव जी, दुगली वनांचल के बच्चों में कुपोषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी लाई जाएगी, शराब के द्वारा जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं जन साधारण को बीमारियों के प्रति जागरूक करने के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके तारतम्य सुविधाएं दी जा रही हैं। उक्त कार्यक्रम के माध्यम से अब तक 5,987 ग्रामीणों का परीक्षण किया गया, जिसमें से 2,892 लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रसित पाए गए। इसमें गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, टीबी एवं कुष्ठ रोग से स्थापना का प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव जी, जन जन के नेता, नगर पंचायत जिले के समस्त जनता को सियावा नगरी 56 एवं धमतरी जिला की ओर से हमार मन के ला देखे बार और हमन का समर्थन सेना और हमार मन के का समस्या है ओला सुलझाए बार आए है मेरा कि आज से 34 साल पहले हमारे नेता राजीव जी का आगमन यहाँ हुआ था। वो भारत को 21वीं सदी की ओर ले जाना चाहते थे, वो आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन बिना आदिवासियों के विनाश, बिना वितरण एवं उद्घाटन कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हितग्राहियों को वितरण एवं उद्घाटन तथा विमोचन का कार्यक्रम किया जाएगा। आइए सबसे पहले CFRR के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, जो कि पूरे प्रदेश में प्रथम वन अधिकार पत्र ग्राम जबरा को दिया जा रहा है, मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ सरपंच श्रीमती सजनीबाई नेताम, ग्राम पंचायत जबरा। नेताम ग्राम पंचायत जबरा, कमार पर्यटन सर्किट का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा गमछा पहनाकर किया जाएगा। कमार पर्यटन सर्किट का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गमछा पहनाकर किया जाएगा। सभी सदस्य आ जाएंगे।
वन अधिकार कर्ता आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा सम्मानित मुख्यमंत्री द्वारा अधिकार पट्टे का वितरण किया जाएगा। श्रीमती सजनी पति रमेश कुमार समाज ग्राम हटका वन अधिकार पट्टा आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा श्रीमती सजनी पति रमेश कुमार ग्राम हटका कुमार श्रीमती जोहतरीन बाई को आवास की चाबी दी जाएगी माननीय मुख्य अतिथि जी के द्वारा। श्री जोहतरीन बाई श्री जगन्नाथ कुमार ग्राम जबरा से स्वीकृति पर सम्मानित मुख्य अतिथि के द्वारा भेज किया जाएगा स्वीकृति पत्र। समाज राशन कार्ड खाद्य विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। श्रीमती सविता पति सुखराम श्रीमती नंदिनी पति शत्रुघ्न श्रीमती धनेश्वरी बाई श्रीमती हेमवती श्रीमती पंकी बाई जन्म प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा जन्म के साथ ही गौर संघ में नारा लगाओ सब तैयार हो राजीव गांधी अमर रहे पूरा किसी तक हाथ नहीं उठाते यू तो राष्ट्र में ना कहूंगा सबो जान हाथ उठा के सब नारा लगाना है राजीव गांधी अमर रहे राजीव गांधी अमर रहे राजीव गांधी अमर रहे। बिजली से पावन धरती प्रणाम करते हुए जहां राजीव गांधी सोनिया जी के संग आयरी से आप मन संग से ज्ञान मन संग बात करे रही से आप मन संग बैठ के बुझाए रही से चर्चा करे रही से वो सब ज्ञान मन अभी स्मरण करा था और कुल्हाड़ी घाट से यानी जेकर उम्र 100 साल हो गए ज्ञान नहीं आ सकी लेकिन राजीव गांधी ला तो अपन घर में खाना खवाए रही से उस ज्ञान ला हम प्रणाम करे सन होकर परिवार ला मंच के माध्यम से सम्मानित करे हमें अवसर मिले मैं बहुत बहुत ज्ञानीन ला प्रणाम करे था धन्यवाद दे था हमारे मंच में बैठे हमारे प्रभारी आदरणीय पीएल पुनिया जी हमारे स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री आदरणीय पीएल सिंहदेव जी हमारे प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भाई मोहम्मद खान जी हमारे वन मंत्री भाई मोहम्मद अकबर जी आबकारी और उद्योग मंत्री भाई कवासी लखमा जी राजस्व मंत्री भाई जय सिंह अग्रवाल जी आदरणीय कोषाध्यक्ष भाई राम गोपाल अग्रवाल जी जेकर क्षेत्र में आए हैं खूब तैयारी करी बहन लक्ष्मी ध्रुव जी आदरणीय भाई राजेश तिवारी जी आदरणीय मेहता जी लेखराम साहू जी अंबिका मरकाम जी भाई माधव सिंह जी ध्रुव आदरणीय रघुनंदन साहू जी लक्ष्मीकांता साहू जी भाई अशोक सोम जी राजा राम मंडावी जी मंचस्थ समर्थकों अतिथि में क्योंकि अब शाम के बेरा हो गए सब जन घर लो उठना है अहम वाला राजनामा कार्यक्रम में जाना है एक अस्थिति ज्यादा जन का नाम लग नहीं लेता हूँ सबसे समय से आते हुए सब अधिकारी में हमार गांव गांव से आए हमार सब साथी मन भाई मन बहनी मन नौजवान संगवारी मन पंचायती राज से जुड़े हुए सब हमार जनप्रतिनिधि मन पत्रकार संगवारी मन और सब साथी मन
आज राजीव गांधी जी के 75वीं वर्षगांठ हम मनात है। राजीव गांधी जी 20 अगस्त 1944 का जन्म हुई, बहुत कम समय ईश्वर हमले उगर सानिध्य की। 47 साल की उम्र में आतंकवादी हमला होकर देहावसान हो गए। राजीव जी जिसम परिस्थिति में देश के बाद दौर संभाली, इंदिरा जी की हत्या हुई और उसके बाद देश के बाद दौर संभाली और 5 साल प्रधानमंत्री रही। 5 साल में जो काम करे है, जैसे राजीव गांधी अमर है तो इसमें उसके मन के बताए उसकर किए गए जन कार्य है तीनों हमेशा हमेशा अमर हो गए। 18 साल के नौजवान लड़का ला मताधिकार के मत दे के अधिकार कोनो दीस तो राजीव गांधी दी। महिला मल्ले 33% अब तो 50% हो गए पंचायती राज और नगरी निकाय में। आरक्षण भी राजीव गांधी जी, कंप्यूटर साइंस सुपर कंप्यूटर 8000 लाए के कोनो काम करे है वो राजीव गांधी करे है। गांव गांव में जो पीसीओ खोलवाए काम करी राजीव गांधी के, जो संचार क्रांति के पुरोधा के रूप में हम याद करते हैं। राजीव गांधी जिन पर्यावरण अधिनियम बने वो राजीव गांधी है। ब्लैक बोर्ड अभियान चलाए के काम लेकर मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो आंदोलन चले वो राजीव गांधी है। जिन काम राजीव गांधी करे है वो मील के पत्थर साबित हो है। वही पैक में कहा था राजीव गांधी जैसे अमर है तो इसमें पर काम मन हमेशा हमेशा अमर नहीं कबूल भुलाया नहीं जा सका। आज राजीव गांधी पंचायती राज के बात करी, पंचायत को सशक्त करे के काम, गांव को सशक्त करे के काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार करे। सोनिया जी राहुल जी जन बताए रस्ते है तेने चले के काम करे थे तो छत्तीसगढ़ सरकार करे थे। अकबर भाई आदरणीय बाबा साहब आदरणीय भाई मोहन एवं सब सरकार के बहुत अकन जिन काम करे थे जेकर बारे में चर्चा करे ऋण माफी 2500 रुपया क्विंटल धान तेंदू पत्ता संग्रहण की कीमत वो सब बात की चर्चा हो गई। बिजली बिल आधा की बात हो गई, मैं वो बात मतलब ज्यादा नहीं कहा, आप सब जाना था होकर लाभ ले चुके हो। मैं वो बात बताना चाहता हूँ कि जिन सम्मान दे के काम है 32% आरक्षण यदि आदिवासी भाई मन है और बरकरार रखे काम हमारी सरकार करे है। हमारे अनुसूचित जाति भाई मन जो 13% है और 12% बिरादरी से 13% देश भर तक छत्तीसगढ़ सरकार करे है। हमारे पिछले वर्ष शादी मन जो 50% से अधिक आबादी यहाँ है लेकिन वो मतलब 14% बिरादरी से वो 27% देश भर तक छत्तीसगढ़ सरकार करे है। हमारे सामान्य वर्ग के साथी मन ल भी आरक्षण दे के काम जिन गरीब है जिन आर्थिक रूप से कमजोर है तेनों देख फैसला हम बहुत जल्दी क्षेत्र में कर रहे बात विश्वास हम आप लोग दिलाना चाहते हैं। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे कि हम औद्योगिक पार्क लगा दो, हर ब्लॉक में औद्योगिक केंद्र खोलो, जेकर से जिन लघु उपन है उपज है जिन किसान मन है ओकर उपज के सही कीमत मिल सके और साथ ही रोजगार मिले व्यापार भी फले फूले। ये तहत में हमारे आज धमतरी जिला में 26 लघु अनुपज केंद्र के घोषणा में करा था कि हम यहाँ केवल धमतरी जिला में 36 लघु वनुपज केंद्र खुली। बहुत अकन कैसी लोकार्पण आदरणीय पुनिया जी आदरणीय बाबा साहब हम सब मिल के करें। यहाँ धमतरी जिला में 36 लघु वनोपज केंद्र की घोषणा, साथ ही राजीव गांधी के नाम से राजीव गांधी स्मृति औद्योगिक केंद्र हर जिला में बनाए जाए। हमारे धमतरी जिला में श्याम तराई औद्योगिक क्षेत्र में जेकर यहाँ
औद्योगिक केंद्र खुला थे उसका नाम भी राजीव गांधी के नाम से रही। पूरा 27 जिलों में औद्योगिक केंद्र खुली वो राजीव गांधी जी के नाम से रही। मैं एक बात और घोषणा करना चाहता हूँ कि राजीव गांधी से क्योंकि युवा रीस है और युवा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन हो रहे हैं तो राजीव गांधी रहे हैं। युवा रीस है, युवा मन के सपना रीस है, युवा मन से बहुत उम्मीद रीस है और युवा मन पर हमेशा वो सोचे रीस है। वो कैसे भी पूरा छत्तीसगढ़ के हर गांव में राजीव गांधी युवा मितान क्लब के गठन किए जाए ओकर माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम खेलकूद के कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के आयोजन हमारे युवा साथी मन के क्लब के माध्यम से हुई। 20,000 गांव में राजीव गांधी युवा मितान क्लब बनाए जाए जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए अधिकार संपन्न बनाए थे काम हम अलग करना है। आज ये बात के भी साथी मन मांग करे से और हम 15 अगस्त के भाषण में घोषणा भी करें कि हमारे यहाँ नगरी में बहुत दूरिया दूरिया से लोग मनाते हैं अपन तहसील के काम कराए बस यहाँ के साथी मन के मांग रही से कुकरेल में भी तहसील बनाया गया। मैं मंच के माध्यम से घोषणा कर रहा था कुकरेल में तहसील बनाया जाए और साथ साथ धमतरी में कौन तहसील भखारा के भी घोषणा करा था। हमारे कमार भाई मन बड़े संख्या में हरी थे हम कैबिनेट में फैसला ले हैं जे मना ये कमार जाति है भूंजिया है पंडे है जो चुनौती ट्राइब्स है वो कर बस सीधे भर्ती ओला कम्पिटेटिव एग्जाम दिलाए थे जरूरत नहीं है वो मन बारहवीं पढ़े कॉलेज पढ़े होकर योग्यता के हिसाब से वो मन ल सीधा नौकरी मिली। बहुत जल्दी हमारे धमतरी जिला के कमार भाई मन लगर लाभ मिली वो युवा साथी मन मिली आदेश बस जिला में पहुंचा देरी है वो नौकरी मतलब देरी नहीं है। हम यू कोशिश कि हमारे जब तक स्कूल है मेरे शिक्षक रहे तो 15,000 नौजवान मन लगकर अवसर मिली प्रोफेसर के पद रिक्त है ओकरे अगर बहुत जल्दी अवसर मिली तो रोजगार के अवसर औद्योगिक क्षेत्र में भी और जबका भी हमारे लघु नौकर से टेकर से बहुत अगर रोजगार हमारे भाई बहनी मल्ल मिली और अभी वन मंत्री जी घोषणा करे पूरा हिंदुस्तान में सबसे बड़े सामुदायिक दावा के घोषणा करें आज 5,000 हेक्टेयर से अधिक के भी वन अधिकार के पट्टा दे गए हैं। एक तरफ दुनिया में आदिवासी मन के जमीन छीने के काम के जात है ये छत्तीसगढ़ सरकार है कांग्रेस के सरकार है जिन आदरणीय पुनिया जी के मार्गदर्शन में आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी के मार्गदर्शन में काम करे थे आदिवासी मन ल अधिकार संपन्न बनाए के काम और आदिवासी मन के जमीन ल वापस दिलाए के काम करे थे तो आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ सरकार। आज यहाँ टूरिज्म से बहुत संभावना है हमारे धमतरी जिला में जहाँ बांध है बहुत बड़े बड़े बांध है यहाँ बहुत 45% जंगल है टूरिज्म से बहुत संभावना है। एक टूरिज्म से भी घोषणा में करा था कलेक्टर साहब का योजना बना रहे विधायक जी मेहनत करे थे कि यहाँ टूरिज्म की इको टूरिज्म की शुरुआत की जाए ताकि यहाँ के बाहर से टूरिस्ट मन भी आए और यहाँ के लोग अंदर रोजगार ही मिला। ये प्रकार से लगातार हमारे सरकार आम जनता के हित में काम करे थे और राजीव गांधी जी सपना देखे रही से हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार सपना लग पूरा करे बर दिन रात मेहनत हमारे मंत्री मन और अधिकारी मन करे थे वो मतलब बहुत बहुत बधाई दे था। साथ ही हमारे जन नारा है छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी आज आपो गांव में इधर शुरुआत करें डुगली में अंगार मोती के हम पूजा पाठ करें राजीव गांधी के मूर्ति का अनावरण करें। अभी हमारे विधायक जी कहा से यहाँ के जब तक नदिया के किनारे किनारे गांव में
बाहर में प्रभावित होते राजस्व मंत्री बैठे तटबंध पर वहाँ वृक्षारोपण भी हुई और किसी भी काम करे थे हम मैं आग्रह करा था ज्यादा से ज्यादा स्वीकृति हमारे नगरी विधानसभा में हो। हमारे सरपंच साहब भी यहाँ से विकास पर दुगली ने विकास पर बहुत अपन मांग करे है। दुगली ने जी हमारे नेता राहुल राजीव गांधी आ रही से जी हमारे अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आ रही से यहाँ के विकास पर कोई कमी नहीं आन दें चाहे जे भी विभाग से मांग है सब मांग हम पूरा करबो। इस बात पर कहते हैं आप मन बड़े संख्या में आए और राजीव गांधी से आप मन के दिन जुड़ाव के स्पष्ट है। आप 11 बजे से 8 बजे पानी की जरूरत नहीं से एक बार भी आप डटे रहे भारी उमस के बीच में आप बैठे हो। ये राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बीच में आपके ऊपर मन के बीच में जो संबंध है कतेक प्रकार है स्पष्ट होते आप प्रॉब्लम है। बहुत बहुत बधाई देते हुए इस प्रकार से भाईचारा प्रेम और संबंध बने रहे और हम सब मिलजुल के छत्तीसगढ़ महतारी ला सजाए के काम हम अल्लाह करना है। अभी कुपोषण से लड़ाई हमारी जारी है और उपाय से सुपोषित बस्तर और सुपोषित जनते वाला हम करें वही प्रकार से सुपोषित धमतरी भी जिला होना चाहिए। केंद्रों पर अभियान चला थे और हाट बाजार जो चीनी थे मुख्यमंत्री हाट धमतरी में भी एक शुरुआत हो चुके है एक ज्यादा से ज्यादा लाभ मिली। तो कुपोषण के खिलाफ लड़ाई स्वास्थ्य सब जन पर उपलब्ध हो एक बार सरकार काम कर रहे थे तो आप सब लोग बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़। राजीव गांधी अमर रहे। राजीव गांधी अमर रहे। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़। राजीव गांधी इस देश का गौरव था। पंचायती राज इस हिंदुस्तान में दुनिया में नाम करने वाला एक ही व्यक्ति था राजीव गांधी। मैं ज्यादा नहीं बोलकर यही कहने आया हूँ आप लोगों को सबको यहाँ पर आए सुबह 11 बजे से आज यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ नमस्कार करता हूँ। जय जोहार।